जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वांड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की रीडिंग है लिब्रा के लिए और जानेंगे कैसा रहेगा लिब्रा के लिए आने वाला महीना यानी कि फरवरी का महीना 2021 में। और साथ ही साथ मैं शाउट आउट देना चाहूंगी स्वास्तिक फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर को, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन इंडिया। इनकी मेन ब्रांच है सेक्टर 50 नोएडा में और साथ ही साथ इनकी ब्रांचेस हैं दिल्ली एनसीआर में। आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको फिजियोथेरेपी अपॉइंटमेंट चाहिए तो, और इनका नंबर है 9999259008 एंड यू कैन जस्ट कॉल देम एंड गेट एन अपॉइंटमेंट बुक्ड। और कोई भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम अगर है, न्यूरो प्रॉब्लम है या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लो बैक एक, तो आप इन सब कंडीशंस के लिए इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर विद वेरी गुड रिकवरी रेट एंड वेरी गुड प्रोफेशनल्स फिजियोथेरेपिस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बीइंग सो काइंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब हम जानेंगे लिब्रा के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। मैं निकालूंगी एक कार्ड इस डेक में से। प्लीज गिव मी वन मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स। फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स, वन मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड प्लीज। ऑलराइट, सो यू हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स हियर। और चलिए देखते हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे एक सक्सेस का कार्ड है ये, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या है इसका क्वाड्रेंट एज पर नॉस्ट्रैडेमस। ओके, सो द क्वाड्रेंट इज बीटन बाय सेवन बिशॉप्स विद हैवी वाइन स्टिक्स बाय दोज हु विल टेक ओवर अथॉरिटी। तो ये जो क्वाड्रेंट मैंने अभी आपको बताया, बेसिकली ये एक पूरी स्टोरी होती है और उस स्टोरी पे ये क्वाड्रेंट होता है। ये क्वाड्रेंट जो बनाए जाते हैं, जो नॉस्ट्रैडेमस ने जो बनाए थे, ये बेसिकली स्टोरीज के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ इसका एक शॉर्ट आपको अंडरस्टैंडिंग आपको मैं जरूर दूंगी। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है सक्सेस की। सक्सेस एक काफी समय के बाद जब एक कामयाबी मिलती है उसका यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। काफी स्ट्रगल के बाद जब कोई सक्सेस मिलती है तो वो यहाँ पे बताई गई है। बेसिकली जो मोरल ऑफ द यहाँ पे जो ये क्वाड्रेंट है, इसका जो मेन मीनिंग है ये है कि जो भी आप प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, फाइनली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, आपकी यहाँ पे जीत होगी और आपको जो भी आपने स्ट्रगल किया है उसकी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे ये कार्ड आपकी सक्सेस को दिखा रहा है। काफी समय तक परेशान होने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद कामयाबी आपको मिल रही है, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। तो फरवरी के महीने में आप, अगर आपको कोई कोई काम अटका हुआ है या कुछ ऐसी चीज है जिससे आप काफी परेशान है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कामयाबी आपको उसमें मिलेगी। सक्सेस का कार्ड यहाँ पे है। थोड़ी सी और क्लैरिटी लेते हैं, हम शुरू करेंगे आपके करियर से। सो लेट्स सी हाउ विल बी योर करियर इन द मंथ ऑफ फरवरी। सो वी गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स। हम अपराइट लेंगे बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द रिवर्स रीडिंग। So we got the Ace of Pentacles, which is again a financial gain in your career. Maybe you will receive a good financial hike, good money. And then you have Queen of Swords, which means you are going to be very communicative. आप लोगों से बात करेंगे और आपकी बात को लोग पसंद भी करेंगे, आप बहुत क्लियर बात करेंगे। एंड जब आपका, अगर कोई आपके कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं या फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं लॉन्ग टर्म से, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं फरवरी के महीने में। लेट्स टेक आउट वन मोर कार्ड। अगेन एट ऑफ पेंटिकल्स यू गॉट। तो यहाँ पे लगातार पेंटिकल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फरवरी में आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है, फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे। आप देखिए ये पर्सन कितना खुश है, इसके पास ये पेंटिकल है, काफी मेहनत से इसने पेंटिकल बनाए हैं और एक पेंटिकल जो इसके पास है जिसपे वर्क कर रहा है, ही इज फाइनली यू नो वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, ये वही पेंटिकल है जो इसके हाथ में है। तो ये जो आपका पेंटिकल है जो अभी आपके पास नहीं है, फरवरी के महीने में आपको मिलेगा और आप यहाँ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना होगा, आप बात करें, अपनी बात को क्लियर रखें, तभी ये फाइनेंशियल गेन आपको होगा। तो चलिए देखते हैं, करियर तो आपका अच्छा आया है, देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी लिब्रास की इन द मंथ ऑफ फरवरी। हाउ विल बी द पर्सनल लाइफ ऑफ लिब्रास इन द मंथ ऑफ फरवरी। किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है ऐसा लग रहा है, एंड देन द डेविल कार्ड। तो यहाँ पे लगता है कि आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, कोई है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप ऑब्सेस्ड हैं लिटरली उस पर्सन को लेकर, या फिर शायद कोई आपको बहुत पसंद करता है और आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है यहाँ पे, लेकिन वो पर्सन यहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, आप पर्सनल लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप उस पर्सन से बात तो करना चाहते हैं लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टेकल है, आप क्लियर बात नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और किसी चीज को लेकर, किसी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तो देखते हैं क्या फरवरी के महीने में आप बात कर पाएंगे उस पर्सन से जिसे आप पसंद करते हैं, क्या आप डिसीजन ले पाएंगे, बिकॉज यू आर ऑन अ क्रॉस रोड, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप बात तो करना चाहते हैं लेकिन यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन।
लेट्स सी क्या फाइनली आप बात करेंगे उस पर्सन से. वन कार्ड प्लीज. ओके सो वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर. तो यानी कि आप बहुत स्ट्रांग होंगे फरवरी के मंथ में और बहुत स्ट्रांगली आप एक्शन लेंगे और बात करेंगे. तो यहाँ पे डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स एक्शन को दिखाते हैं. जैसे ये किंग है, इसके पास सॉर्ड है, जैसे ये फाइट करने जा रहा है या जो भी है सामने ये बात करने जा रहा है, क्लियर बात करेगा बिकॉज ही दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, दिस इज द कार्ड ऑफ पावर. तो यहाँ आप पावरफुल हैं, यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, यहाँ पे भी यू आर रेडी फॉर द एक्शन. तो एक्शन यहाँ पे है क्लियरली. तो यानी कि आप फरवरी के मंथ में एक्शन लेंगे, आप अटके नहीं रहेंगे डिसीजन मेकिंग में ये कि अब करना है नहीं करना, बोलना है नहीं बोलना. तो जिस भी चीज को लेकर आप परेशान है, ऑब्सेस्ड है किसी चीज को लेकर के, उसको आप वेंट आउट करने वाले हैं. आप बात करेंगे फरवरी के महीने में उस पर्सन से. और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें दो एलिमेंट्स हैं, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, तो ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई सैजिटेरियस है आपकी लाइफ में या कोई जेमिनाय है जिससे आप बात करना चाह रहे हैं. तो यहाँ मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है फरवरी के मंथ में आप डिसीजन लेंगे और आप अपने पार्टनर से बात करेंगे और देखते हैं क्या रहेगा आउटकम. अच्छा आउटकम रहेगा वैसे तो, फिर भी देख लेते हैं जब आप अपने पार्टनर से बात करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज सक्सेस का कार्ड यहाँ पे है. फिर भी हम एक कार्ड निकालते हैं टू गेट क्लैरिटी. ओके सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है. यहाँ पे आपको एडवाइस है कि आप जब अपने पार्टनर से या उस पर्सन से बात करें तो आप उस टास्क को पूरा करें, बात को अधूरी छोड़कर ना जाएं. क्योंकि होता है कई बार आप किसी से बात करते हो और आधे में बात को छोड़ के गुस्से में वहां से चले जाते हो या फिर कुछ चीजें क्लियर नहीं करते हो और चले जाते हो. ऐसा मत करिएगा क्योंकि इस तरीके से आपका जो मेन मोटिव है बात करने का वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि पूरी बातें सामने क्लियर नहीं होंगी. तो ये अभी भी टू शॉर्ट्स यहाँ पे आपने, ये सेवन ऑफ शॉर्ट्स है, पांच शॉर्ट्स लेकर के आप सोच रहे हैं कि आपने बात कर ली, बात हो गई. नहीं, अभी भी दो शॉर्ट्स और बची हैं. इनको छोड़ के अगर जाएंगे तो टास्क इनकम्प्लीट हो जाएगा. आपको जो भी वो पर्सन है उससे क्लियर बात करनी है, आराम से बैठ के बात करें, सारे इश्यूज को क्लियर करें और जो भी आप कहना चाहते हैं क्लियर कहें, बातें अपने पास अभी ना रोकें. क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ कंटिन्यूशन में आया है मून कार्ड. तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है जिसे आप पसंद करते हैं या ऑब्सेस्ड है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आप क्लियर करें और प्रॉपरली बात करें. ऐसा ना हो कि थोड़ी सी बात करके और कुछ पॉइंट्स क्लियर ना हो और आप चले जाएं. तो इससे क्या होगा, लाइज एंड डिसीट का फिर से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो क्लैरिटी नहीं होगी, तो ये चीज आपको करनी है. चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रास की इन द मंथ ऑफ फरवरी. हाउ विल बी योर हेल्थ, लेट्स सी. सो यू हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन फाइनल कार्ड प्लीज फॉर द हेल्थ, एंड देन यू हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पे आप काफी स्ट्रांग लग रहे हो. नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है यानी कि आपको कोई अच्छा न्यूज भी मिलने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके फेवर में, जो आपकी किस्मत है आपके फेवर में चलेगी. यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है, बस यहाँ पे आपको एक जगह टिककर नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है, बस यही आपके लिए एडवाइस है. कंफर्ट जोन में नहीं आना है. अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, अपने शरीर को चलना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा. ये चीजें आपके लिए जरूरी है व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप काफी समय से एकदम सिडेंटरी काम कर रहे हैं, सिडेंटरी जॉब प्रोफाइल है आपका. तो आपको वॉक करना है जिससे कि आपके अंदर जो आपकी जो हेल्थ है वो फिट हो सके. क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये जो पर्सन है ये हॉर्स पे बैठा हुआ है और ये जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको मूव करना है. यू हैव टू कीप मूविंग. आपको इस पर्सन की तरह एक जगह बैठना नहीं है कि बस बैठ के सिडेंटरी जॉब करके पैसा कमा रहे हैं. नहीं, आपको अपने बॉडी को फिट करना है, आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है. ये आपके लिए एडवाइस है. अदरवाइज आपकी हेल्थ अच्छी है, ऐसा नहीं है आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है. नहीं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. एडवाइस है बस कि आप सिर्फ पैसा कमाने में इतना ना लग जाएं कि आप बस बैठे रहें और आप अपनी एजिंग हो जाए और आप ओल्ड हो जाएं और आपकी बोन्स वीक हो जाएं या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगे. इसलिए आपको एडवाइस है कि आपको इस नाइट की तरह एक्टिव होना है, एक्सरसाइज करनी है, दैट्स इट. तो हेल्थ के लिए बस यही है आपके लिए लिब्रा. बाकी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. सक्सेस का कार्ड है, डेफिनेटली कामयाबी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी और आपके जो भी अटके हुए काम है स्पेशली फाइनेंसिस को लेकर वो जरूर पूरे होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. इफ यू लाइक द वीडियो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कॉमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी. एंड इफ यू हैव अ डिफरेंट सिनेरियो, अगर आपकी लाइफ में कुछ अलग हो रहा है और आप और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप एक पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, और व्हाट्सएप करा सकते हैं आप. व्हाट्सएप पे द नंबर इज 9899000366. इस पर आप व्हाट्सएप करिए अगर आपको रीडिंग बुक करानी है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. जय श्री राम, जय भारत.